सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि धनी एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो आप लोग और उसको पे नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो मैंने काफी सारे वीडियो में बताया है, लेकिन आज जो है इस वीडियो में पूरी डाउट आपकी क्लियर करने वाला हूँ। काफी दिनों के बाद ये जो वीडियो आ रही है मेरी धनी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप अगर नहीं जानते हो कि धनी एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन ले लिया है, उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या कर सकती है धनी एप्लीकेशन, क्या लीगल एक्शन ले सकती है, क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्या आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो पूरी डाउट आपकी क्लियर होने वाली है। किसी भी तरीके की लोन एप्लीकेशन हो दोस्तों, धनी एप्लीकेशन से अभी रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, लेकिन किसी भी लोन, पर्सनल लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, यहाँ पे क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर जो है सबकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही होती है। तो ये वीडियो में जितनी जानकारी आपको दी जाएगी जेन्युइन दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या धनी एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पे अगर आप लोग लोन लिए हो उसकी रिपेमेंट नहीं करोगे तो क्या उसका जो है टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या आपको जो है क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं धनी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। धनी एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने यूज किया है, धनी एप्लीकेशन का काफी सारा मुझे जो यहाँ पर कमेंट आता रहता है आप लोगों की तरफ से, सर मैंने धनी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, आप उसको रिपेमेंट नहीं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या जो है यहाँ पर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एक डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर धनी एप्लीकेशन में जो लोन मिलता है वो क्रेडिट लाइन जो है लिमिट रहता है, ठीक है, क्रेडिट लाइन लिमिट रहता है। तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है दोस्तों, मैं बता दूं, धनी एप्लीकेशन में जो है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मिलता है आप लोगों को, तो उसको जो आप लोग यूज कर लेते हो। यूज करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग जो है मतलब यहाँ पर जो उसको रीपेमेंट नहीं करते हो, तो रीपेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी आपको, यहाँ पर सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर कैसे खराब होगा आप लोग बताओगे कि सिविल स्कोर कैसे खराब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिविल स्कोर है क्या और सिविल स्कोर जो है यहाँ पे बनता कैसे और खत्म कैसे किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड के यहाँ पर जो बेस पे धनी एप्लीकेशन में केवाईसी किया होगा तभी आपको ये लिमिट मिलती है। तो धनी एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट जो आपके पैन कार्ड के बेस पे, मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे आपकी केवाईसी करते हैं। केवाईसी करने के बाद दे देते हैं आप लोग को एक लिमिट देते हैं, ठीक है। लिमिट देने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग उससे यूज करते हो, यूज करने के बाद जो आप लोग उसको रिपेमेंट करते हो फिर वो लिमिट देता है। अगर आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर लूट चुके हो धनी एप्लीकेशन को और धनी एप्लीकेशन से पैसा ले चुके हो, अगर फिर यहाँ पर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो तो ये सिविल स्कोर कैसे डाउन करती है, जैसे कि आप लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड से यहाँ पे केवाईसी किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, तो इन लोगों का जो एक डिपार्टमेंट होता है, सिविल डिपार्टमेंट जो भी होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर या पीसीआई के अंदर और आरबीआई के अंदर ये जो है सिविल डिपार्टमेंट आती है। तो अगर आप लोग जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को यहाँ पर यूज कर लेते हो तो ये लोग जो है उनको रिपोर्ट करते हैं कि सर ये जो है मेरा जो अमाउंट ले चुका है और मुझे रीपेमेंट नहीं किया, इसके सिविल को डाउन कर दिया जाए। तो सिविल स्कोर क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 5000 रुपया लोन दिया और 5000 रुपया लोन देने से पहले मैं आपकी कुछ कागजात देखूंगा कि यहाँ पर ये बंदा दे सकता है, इसकी औकात है या नहीं देने की, तो मैं आप लोग को जो है यहाँ पर एक मौका भी दे दूंगा। मान लीजिए कि 5000 रुपया दे देते हैं भरोसे के माध्यम से कि यहाँ भरोसे पे आपको मैंने दे दिया 5000 रुपया कि आप जो है मुझे 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद लौटा दोगे। अगर आप लोगों ने नहीं लौटाया यहाँ पर दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात की मुझे तो नहीं पता कि आप जो पैसा लोगे वो मुझे लौटाओगे या नहीं लौटाओगे, तो ठीक यहाँ पे जो धनी एप्लीकेशन वाले भी यही करते हैं, आप लोग को ये जो है एक ट्रस्ट पे पैसा देते हैं कि आप लोग जो उसको लौटा दोगे तो वो आपको पैसा दे दिए, ठीक है। पैसा देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास हो गया, मैंने आपको पैसा दे दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो धनी एप्लीकेशन वाले के एग्जाम्पल से ही हम बता रहे हैं कि अब जो पैसा आप नहीं देते हो मुझे 5 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद जो भी पैसा नहीं देते हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग जो कितनों भी मुसीबत में होंगे दोस्तों, कभी भी जो भी मुसीबत पड़ेगा तो आप लोग मुझसे अगर पैसा मांगोगे तो मैं बिल्कुल भी आपको दोबारा पैसा नहीं दूंगा, और हो सकता है तो मैं दोबारा कंप्लेन करूंगा आप लोग से रिलेटेड, पुलिस कंप्लेन करूंगा या कोई से भी कंप्लेन करूंगा आप लोग से रिलेटेड कि जो भी मेरा पैसा लिया है वो मुझे वापस नहीं किया है, तो आप लोग को मुझे जबरदस्ती पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके केस में कुछ उल्टा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसा ही काम करता है लेकिन ये कुछ अलग काम करता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को धनी एप्लीकेशन वाले ने यहाँ पे लोन अमाउंट दे दिया, ठीक है, लोन अमाउंट दे दिया, अगर आप लोगों ने उसको पेमेंट नहीं किया तो इसका सिविल डिपार्टमेंट जो होता है उसको ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये बंदा जो है मुझे पैसा नहीं दिया है,
तो इसकी कंप्लेंट वहां पे दर्ज हो जाती है। और वहां पर जो है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप लोग देखिए कि वो जो बंदा है अगर पैसा नहीं देता है इसको, मतलब कि आप पैसा नहीं देते हो धनी एप्लीकेशन को, तो आपके पैन कार्ड के अंदर जो है ना कुछ गड़बड़ होता है। यहाँ पे पैन कार्ड के अंदर एक मेंशन किया जाता है, जब आप दूसरी बार किसी भी बैंक से लोन लेना चाहोगे या लोन लेने जाओगे या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाओगे, तो वहां पे आपका जो है उसके पास डेटा आएगा कि आप लोगों ने लोन ले लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही सिविल स्कोर बनता है, ऐसा ही सिविल स्कोर घटता है, तो आपका सिविल स्कोर घटा दिया जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर धनी एप्लीकेशन वाले या कोई भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन वाले या लिमिट वाले यहाँ पे कर क्या सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो दोस्तों आप लोग इस सिविल स्कोर को यहाँ पर रिपोर्ट करके डाउन कर सकते हैं। सिविल स्कोर आपकी बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, तो सिविल स्कोर आपकी डाउन कर दी जाती है। और यहाँ पर जो आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, एक यहाँ पर जो उसमें लिखा रहता है, काफी सारे चीज लिखे रहते हैं, मैंने वीडियो बनाया है, तो वहां पे आपको चेतावनी दी जाती है कि सर आप पेमेंट कर दो, लेकिन जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन होती है वो आपको धमकी नहीं देती है। धनी एप्लीकेशन भी आप नहीं देती है, पहले बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं धनी एप्लीकेशन के नाम पे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई पुलिस कंप्लेन होगा, ना आपको कोई कोर्ट का चक्कर दिया जाएगा, ना कोई आपके जो एड्रेस पे यहाँ पे एजेंट आएंगे, कोई भी एजेंट नहीं आता है दोस्तों, एक बात याद रखें आप लोग। हाँ, अगर बाइक लिए हैं लोन पे या मोबाइल लिए हैं तो वो अलग बात है, वो आते हैं, वो जो है ईएमआई पे होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर धनी एप्लीकेशन वाले से या किसी भी पर्सनल जो होता है ना, देखिए पर्सनल में क्या होता है कि आप लोगों ने उसको जो है जब आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो तो उसको परमिशन दे देते हो, वहाँ पे परमिशन देते हो गैलरी का और यहाँ पे लोकेशन का और यहाँ पे जो है आप लोग बहुत सारे फोटो का, मतलब जो गैलरी का होता है पूरा कम्प्लीट उसको, और फोन का जो होता है कॉन्टेक्ट वो उसको जो आप दे देते हो परमिशन अलाउ करने के बाद। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो इसमें दो नुकसान हो जाता है आपका। यहाँ पर क्या होता है कि काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे बार बार कॉल करती है, कॉल करके आपको परेशान किया जाता है, और आप लोग के जो फैमिली मेंबर में कॉल किया जाएगा कि सर ये बंदे ने मुझे पैसा ले लिया मेरे से और मुझे पैसा ये वापस नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसा भी होता है। और यहाँ पे आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी डाउन कर दिया जाता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा, ना कोई कोर्ट का चक्कर लगेगा, ना यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, सिर्फ आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाता है, आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया जाता है और आपको यहाँ पे परेशान किया जाता है, आपके जो फैमिली मेंबर में कॉल करके परेशान किया जाता है। तो काफी सारे यहाँ पे केस में देखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी होता है ऐसा, तो बस इस बातों से आप बच के रहिए। मैं एक ही बात कहूंगा, धनी एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं दोस्तों, तो उसको रीपेमेंट आप लोग सही करिए, ठीक है। उसको रीपेमेंट इसलिए आपको करना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर बना रहेगा, आपका ट्रस्ट बना रहेगा, और यहाँ पर जो है दोस्तों एक भरोसा रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई भी बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है उनको जो है अगर गलत तरीके से लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो भी सब्सक्रिप्शन फी रहता है वही सिर्फ जोड़ा जाता है आपके अमाउंट के साथ, तो आप लोग यहाँ पर जो है उसका अमाउंट पूरा पे करके और यहाँ पे प्लान को कैंसिल कर देना है। और कैंसिल कैसे करना है प्लान को, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। और आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अपनी राय कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।